पेट्रोल डीजल के रेट फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। देखिए, आपको इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी को पता है महंगा तो पड़ेगा क्योंकि शेर जो पाला है। महंगाई पर नहीं, लेकिन इस बात पर तो हैरानी होती ही है कि ये दुनिया में पहली बार हुआ है जब गधों ने मिलकर शेर को पाला है। देखिए, 5 स्टेट का इलेक्शन खत्म होने के बाद ये उम्मीद तो सभी को थी कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे, लेकिन मोदी जी ऑलवेज हैज अ सरप्राइज फॉर यू। उन्होंने गैस के रेट भी 50 रुपए बढ़ा दिए। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। लोगों का कहना है कि फ्री का राशन, 1000 रुपए की गैस पर पकाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन मैं उन लोगों को करेक्ट करना चाहता हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि ये फ्री का राशन है, फ्री का अनाज है। ये फ्री का नहीं है, ये उन्हीं लोगों के टैक्स का पैसा है जो थोड़ा बहुत वापस उन्हें मिल रहा है। फ्री अगर किसी को इस देश में मिल रहा है तो उन नेता, उन मंत्री और उन अफसरों को मिल रहा है जो कुछ भी नहीं करने के बदले लाखों करोड़ों रुपए की कोठी, बंगले, सैलरी, भत्ते, गाड़ी घोड़ा, ठाट बाट, नौकर चाकर, तमाम चीजों का मजा ले रहे हैं। आम लोगों को तो अपने खून पसी की हर कमाई के ऊपर 1000 करोड़ों रुपए का टैक्स सरकार को देना पड़ता है, इसलिए उनको मिलने वाली कोई भी चीज फ्री नहीं है बल्कि बहुत महंगी है। वैसे भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट से एक बार फिर यह साफ हो गया है कि कांग्रेस ने जाने कितने ही सालों तक देश का बेवकूफ बनाया। अरे, जो पेट्रोल 110 रुपए का बिक सकता था उसे 75-75 रुपए में बेचा जाया करता था पेट्रोल डीजल को उसकी सही कीमत दिलवाने के लिए। थैंक यू मोदी जी तो बनता ही है। मोदी जी ने जनता के लिए इधर कुआ उधर खाई वाली सिचुएशन पैदा कर दी है। पूछिए क्यों? क्योंकि मोदी जी को पता है कि बढ़ती महंगाई के बारे में सोचकर कई लोगों को बुखार आने लगता है, इसलिए उन्होंने 1 अप्रैल से बुखार की दवाई भी महंगी कर दी है। जी हाँ, सरकार ने 800 जरूरी दवाइयां महंगी करने का फैसला लिया है, इसलिए आप बीमार होने से पहले सोच लीजिएगा, अब महंगा नहीं बहुत महंगा पड़ेगा। और यही तो मोदी जी का मंत्र है, दवाई खरीदने से डरेगा इंडिया तभी तो फिट रहेगा इंडिया। #FitIndiaMovement। चलिए, इतना सारा सीरियस डिस्कशन करने के बाद थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। और मजाक यह है कि 5 राज्यों में चुनाव के दौरान 137 दिनों तक पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, पाइप नेचुरल गैस, CNG, इन सब के दाम कंट्रोल में रखने के बाद सरकार ने वापस इनको कंपनियों के हवाले कर दिया है। यानी अब आपको एक बार फिर यही सुनने को मिलेगा, अरे पेट्रोल डीजल मोदी जी कोई अपने घर पे थोड़ा ना बनाते हैं, ये तो विदेश से मंगवाना पड़ता है, इनके रेट तो कंपनियां तय करती है, इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ेंगे तो इंडिया में बढ़ेंगे, है ना? नहीं, ये सच नहीं है। सच ये है दोस्तों, जब मई 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तो पेट्रोल के ऊपर 9 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी लगती थी। लेकिन पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर 18 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल के ऊपर 18 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी, यानी डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 531% का और पेट्रोल के ऊपर 203% का मुनाफा सरकार की तरफ से कमाया गया, ज्यादा बढ़ोतरी की गई। यही वजह है कि मनमोहन सरकार के दौरान कच्चे तेल की कीमत जब 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल होती थी तब भी पेट्रोल 71 रुपए के आसपास और डीजल 55 रुपए के आसपास प्रति लीटर के रेट पर मिल जाता था। मोदी सरकार ने अकेले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 8 साल में 26 लाख करोड़ रुपया कमाया है। कितना? 26 लाख करोड़। और कमाल की बात यह है कि जिस कोरोना काल में आपकी इनकम कम हो रही थी उसी कोरोना काल के दौरान सरकार की इनकम अबे ये सरकार नहीं, मैं असली सरकार की बात कर रहा हूं, उसी कोरोना काल के दौरान सरकार ये सरकार नहीं, वो जो मतलब लोगों को लगता है कि ये असली सरकार है। जी हां, सरकार, चलिए छोड़िए, मोदी सरकार, हाँ अब ठीक है, मोदी सरकार 22 मार्च 2020 को आज से लगभग 2 साल पहले पेट्रोल 70 रुपए के आसपास और डीजल 62 रुपए के आसपास प्रति लीटर के रेट पर बेच रही थी, लेकिन सिर्फ 2 साल में सरकार ने इसे बढ़ाकर लगभग 100 पर पहुंचा दिया। यानी पिछले 2 साल में पेट्रोल डीजल के रेट में करीब 30 रुपए की प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है।
रसोई गैस के दाम सऊदी अरामको के एलपीजी रेट के बेसिस पर तय होते हैं। मनमोहन सरकार में एलपीजी का जो इंटरनेशनल रेट था वो 2012-13 में 885.2 और 2013-14 में 880.5 अमेरिकी डॉलर था, जो आज केवल 769.11 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गया है। लेकिन मोदी जी के 8 साल में ये सिलेंडर करीब 600 रुपए महंगा हो गया है, 1000 पर पहुंच गया है। अब इतना ज्ञान देने का क्या फायदा, क्योंकि कुछ लोगों को तो यही कहना है, हमें क्या, हम तो भक्त हैं। जी हाँ, भक्तों को बेशक फर्क ना पड़ता हो, उन लोगों को बेशक फर्क ना पड़ता हो जिनके घर में कमाई आती है, दो नंबर की कमाई आती है, हराम की, लेकिन मेहनत से पैसे कमाने वालों को इस महंगाई से फर्क पड़ता है। इसी के साथ इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा।